Assalamualaikum, my name is Roshni Rauf and welcome to my channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं. शो दैट द सेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेट का नाम रख लेते हैं, दैट लेट एस इज इक्वल्स टू. सेट का नाम रख लेते हैं एस, कोई भी नाम रखा जा सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है. नेक्स्ट उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है, दैट व्हेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. ये वैसे भी हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आती है. इज एन अबिलियन ग्रुप. हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट है ये एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका एडजॉइनिंग टेबल बनाना है. किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए. एडजॉइनिंग टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आप 4 ही रोज भी बनाएंगे और 4 ही कॉलम्स भी बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 रोज और 4 कॉलम्स बना लेते हैं. 1, 2, 3 and 4. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेकेंडली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं. अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रो में भी लिखेंगे, इसी तरह से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉलम में भी लिखेंगे. अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. 1 1s are 1, 1 ओमेगा जार ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर जार ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा 1s are ओमेगा, ओमेगा ओमेगा ओमेगा's are ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर's are ओमेगा क्यूब. और जैसा कि आप जानते हैं हमें क्वेश्चन में बोला गया दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. सो हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 1. क्लियर. नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर 1s are ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा's are ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1. नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर are ओमेगा की पावर 4 एंड ओमेगा 4 मींस दैट ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे, साथ में आ जाएगा ओमेगा एंड 1 ओमेगा's are ओमेगा. सो हम ओमेगा की पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा. क्लियर है. यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 लिखा है, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा है, यहाँ ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा लिखा गया. अब ये सेट अबिलियन ग्रुप है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस सेट के लिए टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करें. पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लेयर प्रॉपर्टी. और क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर इस सेट में से हम कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें, उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो तमाम तर एलिमेंट्स इसी सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए. अब इन 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के डिफरेंट तरीके जो उनसे हम इसके अंदर तमाम के तमाम कर चुके हैं, मतलब कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा आएगा. तमाम तर हमारे आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं. इस एडजॉइनिंग टेबल में आंसर्स वाला पोर्शन जो है वो ये है. ठीक है. अब हम देख सकते हैं कि 1 भी इस सेट के अंदर मौजूद है, ओमेगा भी मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर भी. इसी तरह से ओमेगा भी, ओमेगा स्क्वायर भी, 1 भी, ओमेगा स्क्वायर, 1 एंड ओमेगा. तमाम तर एलिमेंट्स इसी सेट को बिलोंग करते हैं. दैट्स व्हाई इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी इस सेट के लिए होल्ड करती है. सो हम लिखेंगे एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल. मतलब कि इस टेबल से देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं कि एस जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करनी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब यह है कि कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेकर आप किसी भी अरेंजमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इससे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. सो हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एस, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल. इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, 1 लेते हैं, ओमेगा लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर, दूसरी तरफ भी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं. अब हम करवाते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इस तरफ करवाएंगे, पहले 1 और ओमेगा की, 1 ओमेगा's are ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इस तरफ 1 ऐसे ही लिख लेते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर's are ओमेगा क्यूब. अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्स आर ओमेगा क्यूब एंड 1 ओमेगा क्यूब्स आर ओमेगा क्यूब. दोनों सूरतों में आंसर बिल्कुल सेम आया. इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी. एंड आइडेंटिटी का एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आप जानते हैं कि 1 होता है और 1 एस में मौजूद है. सो इसका मतलब यह हुआ कि एस आइडेंटिटी भी होल्ड करता है. सो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू एस, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन एस.
आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनवर्स की, और इनवर्स मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया था एडजॉइनिंग टेबल में। अगर हमारे पास एडजॉइनिंग टेबल मौजूद है इसका मतलब यह है कि हमारे पास तमाम तर इनवर्सेज भी मौजूद हैं, और तमाम तर इनवर्सेज कौन से हैं, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तर एलिमेंट्स के इनवर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। इसी वजह से हम लिखेंगे दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर प्रॉपर्टीज हम प्रूफ कर चुके हैं, लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने का तरीका यह है कि हमारे पास जो एडजॉइनिंग टेबल है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब यह है कि जितनी भी हमारे पास रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड रो है वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड कॉलम भी है वन वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रो है ओमेगा 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 स्क्वायर वन, थर्ड कॉलम ओमेगा 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 स्क्वायर वन। फोर्थ रो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, और फोर्थ कॉलम है ओमेगा स्क्वायर वन एंड ओमेगा। यानी कि ये टेबल कंप्लीटली सिमेट्रिक है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे टेबल इज सिमेट्रिक, सो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन एस। अब यहाँ तक हमारी टोटल फाइव प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो एस के लिए प्रूफ हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे हेंस एस इज एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट है इफ जी इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन है हमारे पास ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब बेसिकली अगर ये कोई आम सी इक्वेशन होती तो हमें क्या करना था, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए हम दोनों साइड्स पर ए के साथ डिवाइड करवा देते, ए के साथ डिवाइड होने पर यहाँ से ए खत्म हो जाता और एक्स की वैल्यू आ जाती। लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दैट ए बी बिलोंग्स टू जी और ग्रुप के अंदर हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे जिसके जरिए हम ए को खत्म कर सकें। सो इक्वल के दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के साथ इनका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, इक्वल के दूसरी तरफ भी ए इनवर्स स्टार बी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करेगा। इसकी रीज़न क्या है कि ये एक ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ए को पहले एक्स के साथ सॉल्व किया जाए या ए इनवर्स को ए के साथ सॉल्व किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, यानी कि ए इनवर्स और ए पहले कर लेते हैं और एक्स बाद में, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। हम अच्छी तरह से जानते हैं ए इनवर्स ए का, ए इनवर्स स्टार ए का आंसर आएगा आइडेंटिटी की वैल्यू स्टार एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। अब ई स्टार एक्स आइडेंटिटी की वैल्यू के साथ अगर हम एक्स का कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू की आइडेंटिटी के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ई स्टार एक्स का आंसर आएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब करते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन, एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू बी। बेसिकली ये भी वैसी ही इक्वेशन है जैसी हमने पहले की है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ए पहले था और एक्स बाद में, यहाँ पर एक्स पहले आया और ए बाद में आया है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू बी स्टार ए इनवर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपनी एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तीन वैल्यूज़ में उनके अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट फर्स्ट टू वैल्यूज़ के बजाय नेक्स्ट टू वैल्यूज़ के ऊपर ले आते हैं एंड बी स्टार ए इनवर्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ए स्टार ए इनवर्स का आंसर हम अच्छी तरह से जानते हैं, ई आएगा आइडेंटिटी एंड बी स्टार ए इनवर्स एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स स्टार ई का आंसर क्या आएगा, एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाए एक्चुअल वैल्यू की आइडेंटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, सो एक्स एज इट इज आ जाएगा एंड बी स्टार ए इनवर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।